हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इस वीडियो में ताना जी की डे वन की फुल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, और कल उसकी क्या एडवांस बुकिंग हुई है, कितने शो फिलिंग फास्ट है और कैसे क्या शो जाएंगे, उसके बारे में सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपनी वीडियो को शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विदित, जो आज मैं आपको बताऊंगा ताना जी की डे फुल, जो आज का दिन था उसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रही और कल का जो दिन है वो कैसा जाने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ताना जी को काफ़ी अच्छी रिपोर्ट मिली है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है और सभी लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। डे वन की जो उसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, जो मैंने आपको सुबह बताया था 20 से 25%, वो और शो जब चालू हुए तो बढ़ते बढ़ते 30 से 35% हो चुकी थी, और जो आफ्टरनून ऑक्यूपेशन थी वो 40 से 45% हो चुकी थी, और रात के शो तो और ज़्यादा पिकअप हो गए, 60 से 65% ऑक्यूपेशन जा चुकी है। तो जैसा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो साइट्स होती हैं वो एक अनुमान लगाती हैं, वो जो साइट्स और जो ट्रेन एनालिस्ट होते हैं वो अनुमान लगाती हैं, तो उनके हिसाब से ये सारी रिपोर्ट्स हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी अच्छी बात है ताना जी के लिए, क्योंकि टोटल धमाल की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी 30 से 35% रही थी, तो उसने भी पहले दिन बहुत अच्छा बिजनेस किया था। तो ये तो लाजमी सी बात है, एक बहुत अच्छी मूवी है तो बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। और जब इसके फाइनल आंकड़े आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फाइनल वर्डिक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं डे टू के बारे में। जो बुकमाई शो है, बुकमाई शो की रिपोर्ट के हिसाब से इसके जो शो हैं बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और जो कल जो होगा तो फिलिंग फास्ट की जो टैग होता है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं और हाउसफुल जा चुके हैं। लाजमी सी बात है, कल का दिन एक छुट्टी वाला दिन होता है, तो शनिवार को शुक्रवार से ज़्यादा ही ऑक्यूपेंसी रहती है, तो कल ये बात तो तय है कि ये छप्पड़ फाड़ देगी, कल तो ये धमाका कर देगी, और कल और दो दिन तो इसका चलना, ये इतना धमाका करेगी कि कुछ पूछे ही मत। तो जो बुकमाई शो की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से दिल्ली NCR जो है वो काफ़ी पिकअप हो चुका है, क्योंकि दिल्ली NCR में छुट्टियाँ होती हैं, और ख़ास करके जो पुणे था उसकी आज ही 60% ऑक्यूपेंसी रही थी, तो पुणे की जो ऑक्यूपेंसी कल है वो इससे बढ़ने ही वाली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई में दरबार के बावजूद भी इसको जितने शो मिले वो सारे हाउसफुल गए हैं, और जो कल के शो हैं वो फिलिंग फास्ट हो चुके हैं। हैदराबाद हमेशा टेरिफिक रहता है, तो वो भी इस तरह से हुआ जा रहा है, और आज भी टेरिफिक था तो कल तो डबल टेरिफिक होने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि ताना जी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है, और एक ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। जो रिपोर्ट्स हैं, जो अनुमान लगाए हैं, जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनका ये अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक अनुमान लगाते हैं, तो वो अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने निकल कर। तो ये साइट्स के अनुसार ये रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं कि इतनी जो इनकी जो ऑक्यूपेंसी रहेगी, इतना ये बिज़नेस कर सकती है और बहुत अच्छा बिज़नेस करने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ताना जी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है, और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।